जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सहगल, AVSM, VSM। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। इट्स अ ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू ऑन आवर चैनल, एंड यू आर द सीनियर मोस्ट ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेज हु हैज कम ऑन माय चैनल। सो मुझे काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। And sir is also a close family friend. He has been the DG, retired as the DG Army Air Defence. And I am also, my father was also from Air Defence and my grandfather. So it's a very special connection. And thank you so much, sir. And ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो SSB की तैयारी कर रहा है। And हम ये वीडियो अराउंड SSB ही रखेंगे। सर हैज ऑल्सो बीन कॉमांडेंट SSB भोपाल एंड ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ बोर्ड्स एट अलाहाबाद एंड भोपाल। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक XNDA हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर। एंड आई एम श्योर आपके आज के कन्वर्सेशन से काफी एस्पिरेंट्स को हेल्प होगी। थैंक यू तिमरत, बहुत अच्छा लगा आपसे। बड़े, मैंने तो आपको देखा नहीं था, बट आपके पापा के साथ बहुत सर्विस है मेरी, तो आपको देख के और मिलके बड़ा अच्छा लगा। गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच, थैंक यू सो मच सर। सर, पहले ही क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस एक कैंडिडेट, पोटेंशियल कैंडिडेट में क्या देखती है व्हेन ही अराइव्स एट SSB? When he arrives at SSB, okay. So first we see him in the screening. First time जो interaction होता है, after वो अपना documentation वगैरह करके, then is the OIR test and then the PPDT. तो assessor actually उसको PPDT में पहली बार देखते हैं और वहां पे पहली बार अपना मुंह खुलता है वो। तो it is a rough screening. एंड यू वॉन्ट टू डिसाइड कि भाई इस बच्चे को या कैंडिडेट को 5 दिन इस पर स्पेंड करना वर्थ वाइल होगा कि नहीं। सो बेसिक अगर उसके फ्लॉज हैं जो नहीं करेक्ट हो सकते तो देन स्क्रीन आउट हो जाता है, लेकिन अगर कुछ प्रॉमिस लगे कि ये अच्छा कर सकता है या इसमें काबिलियत है और ही परफॉर्म इन द स्क्रीनिंग, तो देन उसको नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं कि ओके इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके टेस्ट करेंगे। ओके, ग्रेट। सो एंड दैट इज व्हाट वी सी सर फर्स्ट। जी, सर, एज अ कमांडेंट, व्हाट इज द जॉब द कमांडेंट ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डज एक्चुअली? मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्ट करना एंड सेंड देम ओके फॉर ट्रेनिंग, ओके दैट इज द एम एक्चुअली। आपको पता है कि आर्मी में शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स है। कमांडेंट लुक्स फॉर ऑल टैलेंट जो आ रहा है, और अगर कुछ स्पार्क दिखती है बच्चों में, अच्छे लगते हैं कि भाई ये अच्छा ऑफिसर बन सकता है, सो दैट इज द प्राइमरी रोल। सो यू हैव टू सी देम वेरी केयरफुली। ऑफ कोर्स बेनिफिट विल ऑलवेज गो टू द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू द इंडिविजुअल, राइट? सर, ये OLQs का क्या खेल है? OLQs क्या होते हैं एंड हाउ इज द कैंडिडेट एंड हाउ आर दीज OLQs बीन, यू नो, कैंडिडेट्स में कैसा देखा जाता है ये कि OLQ है इनके पास या नहीं? Okay, so that is the whole process of testing, whether it is a interviewing officer or a GTO or a psychologist.
जो भी वो टेस्ट कर रहे हैं वो ओएल क्यूज के लिए चेक कर रहे हैं। एंड जैसे आपको मालूम है कि ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 ओएल क्यूज बनाई, वो हर चैनल पे अवेलेबल है 15 ओएल क्यूज, लेकिन 15 से कई ज्यादा हैं एक्चुअली, जो 15 में ही इन्हों कॉपरेट कर दें ताकि बच्चे भी कंफ्यूज ना हो और असेसर्स भी कंफ्यूज ना हो। चार बेसिक कैटेगरीज होती हैं, जो फर्स्ट क्वालिटीज आर ऑफ द हेड, दिमाग के उसका ब्रेन और इंटेलेक्ट कैसा है। सेकेंड लॉट इज द सोशल क्वालिटीज, के सोशली ठीक है कि नहीं। थर्ड आर द लीडरशिप क्वालिटीज, के इज ही फिट टू लीड मैन इन टू बैटल एंड ऑल्सो इन पीस टाइम। एंड फोर आर द डायनेमिक ऑफ द लिम्ब का क्वालिटी, फिजिकल फिटनेस, उसका डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना, ये सब चीजें आ जाती। जब वो टास्क करता है, जैसे मान लो जीटीओ टास्क कर रहा है, तो उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज परफॉर्मेंस ये क्वालिटीज अपने आप असेस होने लग जाती, बिकॉज ही हैज टू परफॉर्म इन अ टीम। तो 10 बच्चों की टीम है, तो कौन उसमें डोमिनेट कर रहा है, किसके आइडियाज एक्सेप्टेबल हैं, किसका दिमाग ठीक चल रहा है, कौन दूसरों को गाइड ठीक से कर रहा है, हर ग्रुप में आपस में इंटरेक्शन कैसा है, एंड फाइनली वो टास्क ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जब आप टास्क करते हो तो ऑटोमेटिकली क्वालिटीज उसके अंदर डिस्प्ले होना शुरू कर। सिमिलरली अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं बच्चे का, तो राइट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज टू हिज पर्सनैलिटी, हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका इंटेलेक्ट कैसा है, नॉलेज कैसी है, सारी चीजें जब वो इंटरेक्शन होता है तो अपने आप पता लग जाता है कि भी इसमें कुछ कैंडिडेट में सब्सटेंस है कि नहीं। और अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर लो, योर आंसर्स आर सेटिस्फैक्ट्री, तो अपने आप आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसमें डिस्प्ले हो जाती। मान लो आप एक कीन स्पोर्ट्समैन हो, तो आप में टीम स्पिरिट होगी, आपने गेम्स खेली हुई हैं, तो फिजिकली भी फिट होगे। तो जिस तरह से आप आंसर करते रहते हो, या जैसे आपकी स्टडीज में आप कैसे थे, क्या अपने स्कूल में कोई हेड बॉय थे, प्रीफेक्ट थे, क्या गेम्स खेली, जैसे जैसे आप बताते जाते हो, आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऑटोमेटिकली असेसर असेस करता रहता कि भाई ये इसमें ठीक है कि नहीं है, कहाँ कमी पेशी इसमें कहाँ पे है। तो जरूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट में 15 की 15 ओएल क्यूज बहुत अच्छी हो, कुछ बहुत अच्छी होंगी, कुछ एवरेज होंगी, कुछ बिलो एवरेज भी हो सकती हैं। सो ओवरऑल पर्सनालिटी असेसमेंट होती है कि ओके, इसका लेवल अभी ये है। फिर वो एनडीए जा रहा है 3 साल के लिए, 1 साल आईएम में, 4 साल ट्रेनिंग करेगा, तो 4 साल के ट्रेनिंग के बाद उसका लेवल क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर कॉन्फ्रेंस में डिसीजन हो। सो आई विल जस्ट से यू हैव टू डू योर जॉब। आप हर टेस्ट अच्छे से करते रहो और अपने आप आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी डिस्प्ले हो जाए। ग्रेट। सर आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी थे आप सिलेक्शन बोर्ड में, तो सर विच इज द मोस्ट मेमोरेबल कैंडिडेट हु हैव इंटरेक्टेड इन योर कैरियर वहां पे? मेमोरेबल कैंडिडेट, ओके, देर आर वेरी गुड कैंडिडेट्स, सम ऑफ देम हु कम एंड आई कैन से वेल अबव एवरेज, एंड आई मीन मैंने कई टाइप के कैंडिडेट को इंटरव्यू किया, कुछ तो बहुत सोशली बैकवर्ड भी हैं वो भी आए हैं, और कोई जो बहुत आउटस्टैंडिंग थे वो भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट मेरे पास आया था जो फ्रेंड्स के लिए, उसने मुझे 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम बता दिए कि पर्सनल ओके वन टू वन फ्रेंड है मेरे, मैं रोज आर्टिकल भेजती हूँ उनको, ये करेक्ट करके भेजते हैं। सो दैट लेवल के भी हैं, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, कॉलेज प्रेसिडेंट, बात करके भी उनसे अच्छा लगता है।
their knowledge on everything is very good. You know, so you can ask them about China or Myanmar or any neighboring country. They will give you excellent answers. Unka thought process bada clear hai ki country ko kaise develop karna chahiye. And on the other hand, there are other type of candidates. Like I had one candidate who was a rag picker's daughter. Okay. Law kiya tha. So, घर में पैसे नहीं थे बिल्कुल खाना भी तीन टाइम नहीं मिलता एक ही टाइम मिलता था लेकिन उस बच्चे ने हर जगह स्कॉलरशिप लेके लॉ किया टेंथ की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप पे की ट्वेल्थ की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप पे की लॉ कॉलेज भी स्कॉलरशिप पे किया तो सेल्फ यू कैन से सेल्फ स्टडी करके या अपनी हिम्मत करके वो कैंडिडेट ने लॉ की डिग्री हासिल की तो इस टाइप के बच्चे भी होते हैं दे डिजर्व सम चांस सो बहुत से इंटरेस्टिंग बच्चों को इंटरव्यू किए ग्रेट सर जब आपने कुछ देर पहले बात की इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वी रन अ इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहोर्ट एंड उसमें काफी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो मैं आपसे उनके बिहाफ पे ही पूछना चाहूंगा हाउ कैन वन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन इज टोटली ट्रेनेबल ओके ठीक है ना इट इज वन थिंग जो आप जितनी मेहनत करो जितनी प्रैक्टिस करो इट इज ट्रेनेबल आप मुझे बता सकते हैं मोदी जी ने कौन से स्कूल में पढ़ाई की थी नहीं की बता सकते ना बिल्कुल किसी को नहीं पता होगा कौन से कॉलेज में गए या कौन से स्कूल में गए चाहे गुजराती मीडियम में पढ़े होंगे बट टुडे अगर वो यूएस प्रेसिडेंट से भी बात करें तो इंग्लिश में कर सकते हैं बिल्कुल है ना सो ही हैज ट्रेंड हिमसेल्फ कि अगर मुझे वर्ल्ड लीडर से मिलना हो तो आई कैन कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेट वेल तो बिल्कुल सब उनको गले मिलके मिलते हैं सो देर इज गुड कम्युनिकेशन सो इट इज समथिंग विच कैन बी वर्कड अपॉन ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं या आप गांव के स्कूल में पढ़े आप ट्रेन नहीं कर सकते बहुत से बच्चे आते हैं जो गांव के स्कूल में पढ़े लेकिन अच्छी इंग्लिश बोले थे और कई बच्चे आते हैं जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हर इंडिविजुअल पे ये तो डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करना चाहता है सो बट इन एसएसबी लैंग्वेज इज इंग्लिश बिकॉज मोस्ट ऑफ वर्क वर्क डन है नाम पोते इन इंग्लिश तो कैंडिडेट को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज जरूरी है मैं ये नहीं कहता उसको इंग्लिश का प्रोफेसर होना चाहिए लेकिन जो बात वो कहना चाहता है तो अगले को समझ में आनी चाहिए कि इसके इंग्लिश में ने क्या बात कही और क्या समझाना चाहता इतना कम्युनिकेट कर दे तो काफी ग्रेट सर कुछ देर पहले आपने इसकी भी बात की कि वो गेम्स खेलता है तो टीम वर्क होता है उसमें कैंडिडेट में सो आज के टाइम में हम देख रहे हैं साल भर साल जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं दे आर मोर दे आर लीनिंग टुवर्ड्स एकेडमिक्स बिकॉज आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज द प्रेशर पेरेंट्स का प्रेशर या इवन जो मोबाइल पे एडिक्शन है सोशल मीडिया एडिक्शन है दैट कैन ऑल्सो काउंटर समथिंग बट हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स से थोड़ा बच्चा दूर जा रहा है सो इफ अ कैंडिडेट ही डज नॉट प्ले स्पोर्ट्स तो हाउ कैन हाउ व्हाट शुड बी हिज स्ट्रेटजी व्हेन ही गोज टू एसएसबी बिकॉज नेचुरली लाइंग इज समथिंग विच इज नॉट गुड सो व्हाट शुड ही डू तो इफ किसी पर्सन ने बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं खेले तो मोस्ट ऑफ द चांसेस इज के फर्स्टली फिजिकली अनफिट होगा ठीक है ना बिकॉज स्पोर्ट्स में एटलीस्ट स्टेमिना बनता है थोड़ी फिजिकल फिटनेस बनती है अगर कोई स्पोर्ट्स नहीं खेले कम से कम रनिंग तो कर ही सकता है सो अपना स्टेमिना बना सकता है थोड़ा जिम में जाके वर्कआउट कर सकता है तो फिर अगर उसको वहां पे जीटीओ में ऑब्स्टिकल कोर्स तो करना पड़ेगा 3 मिनट के अंदर 10 ऑब्स्टिकल करने हैं तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आपको करने में बहुत मुश्किल होगी बाकी तो दूसरा पार्ट है उसका टीम स्पिरिट के बारे में
टीम स्पिरिट आर्म फोर्सेस में बहुत जरूरी है, एंड डेफिनेटली जो बच्चों ने टीम गेम्स खेली उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है एज कम्पेयर टू बच्चे जिन्होंने कोई गेम नहीं खेली। सो दैट डिसएडवांटेज इज देयर, बट आप गांव में भी देख लो, अगर ना हो कुश्ती कबड्डी कुछ तो गेम्स होती होती, खो खो खेल लो कबड्डी खेल लो, उसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। दोस्त शाम को वैसे ही इकट्ठे होके खेल लेते हैं, वॉलीबॉल खेल लेते हैं, कोई खास इक्विपमेंट नहीं चाहिए उस पर। अगर आप सारा टाइम बैठ के पढ़ते ही रहोगे तो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, मे बी बिल्कुल जैक फिर इतना सूटेबल नहीं हो। तो कुछ ना कुछ तो बच्चे को करते रहना चाहिए, और टीम वर्क तभी आएगा जब आप एक दूसरे के साथ इंटरप्ले करोगे, कुछ करोगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। ग्रेट सर, एक थोड़ा मिथ है, मैं चाहता हूँ कि आपसे बेटर तो कोई होगा नहीं इसको डिबंक करने के लिए, तो मैं आप ही से पूछ सकता हूँ। जैसे एनडीए का जो एक बैच, टिपिकल बैच जाता है, तो दैट इज अराउंड 70 to 100 किड्स विच लैंड अप, एंड जो टीएस का बैच जाता है उसमें 300 400 तक बच्चे वहां पे चले जाते हैं, लेकिन जो स्क्रीन इन रेशियो है दैट इज मच बेटर इन एनडीए एंट्रीज। सो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि काबिलियत की, कि अगर बच्चा केपेबल है तो वो स्क्रीन इन हो रहा है, तो टीएस में स्क्रीन इन रेशियो, स्क्रीन इन भी उतने ही हो रहे हैं, एनडीए में भी उतने ही हो रहे हैं जनरली, ऐसा क्यों नहीं है कि अगर बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग रेशियो भी टिपिकली ज्यादा होना चाहिए? सो इसका क्या कारण हो सकते हैं? प्राइमरी एंट्री आर्म फोर्सेस की ऑलवेज रिमेन एनडीए, जो प्राइमरी एंट्री है, जो बेस्ट एंट्री रहती है फॉर आर्म थ्री सर्विसेज इज ऑलवेज एनडीए, बिकॉज इट्स अ यूपीएससी एंट्री। तो बच्चा रिटन एग्जाम दे रहा है, फिर सिलेक्ट हो रहा है, तो उसका सर्टन लेवल रहता है। और जो बच्चे एनडीए के लिए आ रहे हैं 60% से ज्यादा तो रखने ही पड़ते हैं, यू कैन नॉट स्क्रीन आउट। जिस बच्चे ने यूपीएससी क्लियर किया है एटलीस्ट 60% रिटेंशन रखनी पड़ती है एसएसबी को, बिलो दैट नहीं होती। सो देयरफॉर यू फाइंड दैट अगर मान लो 100 बच्चे आ रहे हैं तो 60 तो डेफिनेटली उसमें से स्क्रीन इन हो जाए। ठीक है, नाउ रही बात टीएस की, तो और लेट मी टेल यू, जो टीएस में सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर, लेटर ऑन इट हैज बीन फाउंड दे आर डूइंग एज गुड और इवन बेटर देन एनडीए ऑफिसर। यस सर, सो आई हैव या देयर इज लॉट ऑफ डिमांड फॉर टीएस ऑफिसर, हर्ड। बट क्या होता है कि इट्स अ स्लाइटली बैकडोर एंट्री, नॉन यूपीएससी एंट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70% 75% बड़ी कॉमन चीज है, लोगों के 70 से कम तो आते ही नहीं आते, तो दैट इज वन क्राइटीरिया इज नॉट वेरी हाई। नाउ उसमें क्या है, बहुत सारे बोर्ड हैं, यू हैव यू नो टू प्योर हिंदी स्पीकिंग बोर्ड, यूपी बिहार, दिस टाइप ऑफ बोर्ड जहाँ पे पूरी स्टडीज आर इन हिंदी, सो चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो जब वो स्क्रीनिंग में आते हैं तो बिल्कुल बोल नहीं पाते, वो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं और फॉल्टर करते हैं, तो ना तो स्टोरी बना पाते हैं, ना नरेट कर पाते हैं, ना ग्रुप में डिस्कस कर पाते हैं, बिकॉज यू हैव टू कम टू कॉमन ग्रुप स्टोरी, वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पाते। तो इसलिए क्या होता है कि टीएस में बहुत सारे बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते, क्योंकि वो बिल्कुल अप टू द मार्क होते ही नहीं, और तब एसेसर को भी लगता है यार बिल्कुल लो लेवल बैच है। लेकिन जो फाइनली रह जाते हैं और जो एसएसबी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, इट इज अ वेरी क्रीम ऑफ द यू नो लॉट। अगर आपने 300 में से 20 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, वो 20 बिल्कुल क्रीम होता है, एंड दे आर फाउंड टू बी डूइंग लेटर वेरी वेल एंड एज कमीशन ऑफिसर। तो ये थोड़ा सा ग्रेट फर्क हो जाता है एनडीए और टीएस के।
सर आपने ये बताया कि दे आर फाउंड टू बी बेटर लेटर, तो रिकमेंड होने के बाद व्हेन दीज कैंडिडेट्स बिकम कैडेट्स एंड देन सब्सिक्वेंटली ऑफिसर्स, तो कोई इन पे रिसर्च होता है कि हाउ दे आर थिंकिंग नाउ, बिकॉज पर्सनैलिटी तो डायनेमिक है, इट चेंजेस, सो इस पे कोई रिसर्च होता है या? But they are doing the degree training, they are being trained in their various, whether it's engineers, signals, EMEs. They are getting the technical degree or getting the BTech degree. And therefore, थोड़ा सा एनडीए से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं. तो एनडीए में भी गेटिंग द बीएससी और बीए और दैट टाइप ऑफ डिग्री. सो दे आर एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज बेटर इन यूनिट्स, लाइक अगर कंप्यूटर्स पे कुछ काम करना है या रिडार पे कुछ काम करना है, तो नॉलेज इज लिटिल बेटर देन प्लेन ग्रेजुएट. तो ओके देयर फॉर यू नो सीओज फील दैट दिस चैप इज थोड़ा टेक्निकली बेटर है और मोर ओके प्रोफिशिएंट इन द इक्विपमेंट. बाकी इंडिविजुअल पे भी बहुत कुछ मैटर करता है. देयर एनडी ऑफिसर्स हु आर आल्सो वेरी एक्सीलेंट इन टेक्निकल फील्ड आल्सो. But I'm just saying on a by and large observation that people are happy with TS officer. ओके ग्रेट, But आई एम there is still श्योर a कोई भी TS officer अभी तक चीफ नहीं बना है. It's always been the सून India officer. आई So they are doing better. थिंक बट सर सून आई थिंक दैट विल हैपन बिकॉज द कोर्सेज विच जो इनिशियल कोर्सेज हैं उनका नंबर आ जाएगा एंड आई एम श्योर चलो आई होप एवरीबडी शुड गेट अ दैट चांस. विल यस या डेफिनेटली सर. आर्म फोर्सेस विल इम्प्रूव. ओके सर आप देर ज्यादा एक्सटेंडिंग पढ़े लिखे हम लोग होंगे. सर यू आर फ्रॉम एनडीए एंट्री या आई एम फ्रॉम एनडीए 52nd कोर्स फॉक्स फॉक्स ट्रॉट स्क्वाडन. ट्रॉट. ओके ओके ग्रेट. इट्स द स्क्वाडन फॉर दोज हू डोंट नो, इट्स द स्क्वाडन ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पीवीसी यस सर. ही इज फ्रॉम सो माय स्कूल आल्सो. ओह अच्छा यू आर फ्रॉम लॉरेंस सर. I am from Lawrence Sanaria. लॉरेंस ओके Yeah, ग्रेट. so he उन्हीं is from वे my सर. school. यस सर परेड ग्राउंड इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हिम ओनली. सो Yes. ग्रेट सर. एनी फॉन्ड मेमोरी ऑफ एनडीए विच यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? All I remember of India is front rolling all over the place and having the bicycle over my head and walking for long distances. So India makes you physically and mentally fit. And most of the cadets are found sleeping in the classroom. It will be like knowing that. Yes, sir, I know. Sir, how many singers, if you don't mind me asking? No, I was smart. I never got caught very much. Oh, then But I did a few, but not too many. In fact, sir, I I like passed out of NDA the without a restriction. ग्रेट सर. आई लाइक द फैक्ट हाउ यू हैव सेड कि मैं मतलब कि आई हैव नॉट गॉट कॉट, नॉट दैट आई हैव नॉट डन एनीथिंग You know, रॉन्ग. yeah. You have to be smart enough. Yes. ग्रेट सर. आप एयर डिफेंस में भी थे एंड यू नो मेनी एस्पिरेंट्स हेयर आर एस्पायरिंग. सो थोड़ा आप बताना चाहेंगे द रोल ऑफ एयर डिफेंस एंड हाउ व्हाट द जॉब इट डज. See, job of air defense is primarily to provide protection against enemy airborne threat. So airborne threat can be in form of aircraft, आजकल in form of UAVs or any other hostile airborne platform, which is helicopters which are coming into own territory, either for purposes of attacking any vulnerable area, vulnerable point, or for gathering information or surveillance. So if you see all the wars which are going on, especially in Ukraine now, you find that the most in use is the air defense, because they are wanting more and more defense from air defense weapon system from NATO. That is Patriot mainly is being used to bring down these UAVs and aircraft which are coming into Ukraine. So air defense is in a big way played a role in the Russia-Ukraine war.
the lot of Russia has lost a lot of aircraft and also UAVs, and similarly Ukraine has lost aircraft and UAVs due to ground fire or air defense fire, both guns and missiles. Sir, एक जो चीजें मैं एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से पूछना चाहूंगा सर, इफ वी कुड गो बैक टू एसएसबी, सर यू हैव बीन प्रेसिडेंट ऑफ बोथ बोथ बोर्ड्स एट अलाहाबाद एंड भोपाल, सो व्हाट इज व्हाट हैपेंस इन द कॉन्फ्रेंस? ओके, नाउ कॉन्फ्रेंस इज द पहला टाइम जब तीनों असेसर मिलके वो कैंडिडेट की पर्सनालिटी को असेस करते। सो फर्स्ट थिंग इज द कैंडिडेट नेम इज कॉल्ड आउट एंड ऑल थ्री असेसर गिव देयर मार्क्स। ओके, वो पासिंग मार्क इज 90, बट आई वॉन्ट कंफ्यूज यू विद दैट। सो मान लो इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 90, जीटीओ से 90, साइकोलॉजिस्ट से 90 और मोर, तो ही इज क्लियर्ड बाय ऑल थ्री। ओके, इट माइट बी 90, 80, 70, ओके, और 90, 75, 75। अगर तीनों में से किसी ने पास नहीं किया तो केस खत्म हो गया। लेट्स से 75, 75, 75, एक ने भी पास नहीं किया तो कैंडिडेट का केस खत्म, नो फर्दर डिस्कशन ऑन दैट। डिस्कशन तब होता है जब कैंडिडेट सिक्योर्स मिनिमम ऑफ 240 मार्क्स। ओके, तो लेट्स से 90, 80, 70 कितने हो गए? तेरी सर कैन यू मैच में रिपीट? वीक है, 240 हो गए, मैंने नाइनटी कैलकुलेट नहीं एटी सेवेंटी 240 हो गई सर 240 हो गई तो डिस्कस होगा। सर अगर 239 भी हुए तो नहीं डिस्कस होगा। ओके, 239 हो गए तो चैप्टर क्लोज्ड, फिनिश्ड, नो डिस्कशन। पर मान लो अगर 240 हो गए तो कैंडिडेट पे डिस्कशन होगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलेगा उसके क्या देखा उसकी पर्सनालिटी में। तो अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने 90 दिए तो वो पास कर रहे। जीटी और साइकोलॉजिस्ट देखेंगे वे क्यों पास नहीं किया, कहाँ पे उनको कमी पेची लगी, तो उन कमियों पे डिस्कशन हो। अगर डिस्कशन में आता है कि भी हाँ ये ठीक है, इतना सीरियस नहीं है, इसको बाद में इम्प्रूव हो जाएगा, सो देन इट इज अग्रीड दैट वी विल क्लियर दिस कैंडिडेट। ठीक है, अगर कुछ ऐसा पॉइंट आ जाता है जो लगता है ये ठीक नहीं हो सकता, कि मान लो वो जीटीओ टेस्ट में जंप नहीं कर रहा था, डर रहा था, करेज प्रॉब्लम आ गई, तो ये लगता है कि यार ये नहीं ठीक हो सकता, तो इवन ही माइट हैव बीन डिस्कस बट ही विल नॉट बी क्लियर। ओके, ओके, अगर कोई डाउट इररिस्पेक्टिव नहीं क्लियर हो पा रहा अभी भी आफ्टर डिस्कशन, मान लो उसकी सोशल क्वालिटीज पे कोई डाउट आ कि ही डिड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स एंड ही स्टाइल प्रेफर्स टू स्टे अलोन, यू नो लोनर टाइप कैंडिडेट, तो फिर उस डायरेक्शन में कुछ कॉन्फ्रेंस में उसको क्वेश्चन पूछे जाए टू रीचेक दैट। मे बी दे से लेट्स से यू आर इन भोपाल, तो डिड यू गो आउट विद हुम ऑल, डिड यू गो, what all did you do in the town, just to see that whether he apne kamre mein to nahi baitha raha, has he mixed up with the others, and some questions on social quality can be asked. If the board is satisfied they will clear him, if they are not satisfied then they will not clear. Okay, so that is how the conference goes. Sir, by chance agar kisi ka 240 clear ho jata hai बट उसके साइक एनालिसिस में द साइकोलॉजिस्ट पॉइंट्स आउट समथिंग व्हिच इज लाइक समवॉट लाइक एंटी एस्टैब्लिशमेंट लेट्स से, देन इज देयर एनी लाइक वीटो पावर की यार ही कांट बी देयर इज नो वीटो पावर। ओके, एंड अगर किसी असेसर ने 59 से कम दे दिया, 60 से कम दे दिया, तो बाकी ने 100-100 भी दिया हो तो फिर पास नहीं हो सकता। ओके, ठीक है ना,
if somebody has given 59 marks, so let's say psych has given 59 and IU and GTU have given 100 100, 259 हो गया, लेकिन नॉन डिस्कसेबल, सीरियस एबोरेशन. ग्रेट सर, आई एम श्योर आपका इतना सर्विस है SSB बोर्ड्स में. मेनी कैंडिडेट्स वुड हैव सेड कि सर हाउ शुड आई गो अबाउट प्रिपरेशन, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स शुड आई डू. तो अगर कोई एस्पिरेंट ये पूछना चाहता है तो उसका क्या आंसर होगा सर आपके आपके लिए? तीन चीजें मेन. फर्स्टली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, वो आपको चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन है, वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन है, आपके इंटरव्यू में भी चाहिए, जीटीओ में भी चाहिए और साइक में भी चाहिए. तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने. सेकंड इज योर फिजिकल फिटनेस, ठीक है. अगर जैसे आपने बोला आपने कोई गेम्स नहीं खेली, तो चांसेस आर के यू विल बी फिजिकली अनफिट एंड यू हैव बीन एन एनडी. आपको पता है कि हाउ स्ट्रेनुअस द करिकुलम, नाउ देन यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप. सो फर्स्टली यू हैव टू मेक योर सेल्फ फिजिकली. समटाइम आस्क द चिल्ड्रन व्हाट यू डू फॉर फिजिकल फिटनेस. सर आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक. तो अब अगर 16 साल पे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो 60 साल पे आके तो आप बिस्तरे से नहीं हिलोगे, है ना. सो यू गॉट टू हैव अ लिटिल रूटीन विच मेक्स यू फिट. एंड थर्ड इज योर नॉलेज, वेदर इट इज नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स और नॉलेज ऑफ द डिफेंस, दैट हैज टू बी गुड एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न. You got to have a good knowledge of your country, neighboring countries, superpowers, and all that is happening in the world. Okay, you got to know. So if I ask you on electoral bonds, what is the issue? You should have a good knowledge about it. कि भाई ये क्या है, चीज क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड अपना व्यू पॉइंट भी होना चाहिए उसको, कि सही है गलत है, क्या कर सकते थे. नॉट कि आपने सिर्फ पढ़ ली हेडलाइन, उसको समझना भी है कि यार व्हाट वाज दिस, व्हाई वाज दिस डन, वाज इट गुड बैड और नॉट, शुड नॉट हैव बीन डन, व्हाटएवर. एंड सिमिलरली नॉलेज ऑफ डिफेंस, लाइक यू आर आस्किंग मी ऑन एयर डिफेंस, सो एनीबॉडी कमिंग टू डिफेंस शुड नो कि भी मैं ज्वाइन करके आगे क्या करना चाहता हूँ. कौन सी रेजिमेंट्स हैं, क्या है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड डू आई वॉन्ट टू गो टू इन्फेंट्री और RTE और एयर डिफेंस, और वॉन्ट टू बी टेक्निकल मैन, क्या करना चाहते. तो ये टू डू एज होमवर्क एंड कम. इट के नॉट बी कि आप कैरियर चुन रहे हैं और आपको उसकी नॉलेज नहीं, देन आप सिर्फ एक जॉब सीकर, कि आप हर जगह फेल हो रहे हैं. एक चलो TS रह गया, उसको भी ट्राई कर लेता हूँ, पर आपने आर्मी की कोई जानकारी हासिल नहीं की, वो गुड कैंडिडेट नहीं है. जितनी अच्छी प्रेपरेशन और नॉलेज के साथ जाओगे उतना बेहतर. तो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, फिजिकल फिटनेस, नॉलेज. अदर क्वालिटीज ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप वर्किंग अपॉन. सर थैंक यू सो मच सर. सर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स और आपने बोला कि एक अपनी राय होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए कैंडिडेट की. हाँ तो सर इसमें इफ कैंडिडेट गेट्स क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, देन उसके अगेंस्ट नहीं देखा जाएगा, उसके अगेंस्ट तो नहीं देखा जाएगा बेसिकली. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज बेसिकली टू चेक उसका इंटेलेक्ट क्या है, ठीक. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उस बंदे की समझ कितनी है. एंड वॉट इज इज इंटेलेक्ट, कि हैज ही अंडरस्टूड द इशू और नॉट, कि उसको समझ आया है क्या इलेक्टोरल, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. इट्स नॉट अ पोलिटिकल क्वेश्चन, कि नहीं बीजेपी ने किया या उसने किया, वो नहीं. इट इज नॉट अ पोलिटिकल एट ऑल.
So that kind of thing you should know about it. Yeah, if there is a one nation, one poll, बात हो रही है, सबको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट. फॉर दैट यू गॉट टू बी रीडिंग योर न्यूज़पेपर एंड कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर कंट्री. यू सी कांट से बाय सर मुझे पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता. नहीं, हाँ, क्योंकि सर आप बाय एनी ऑब्जर्व करना चांस चाहते हो तो थोड़ी सर बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए. जी सर बाय एनी चांस आर यू एक्टिव ऑन ट्विटर इंस्टा और लिंक्डइन? I have deleted my LinkedIn. I do have a ओके सर Twitter account and ओके I keep getting some message here there, but I am not very active on. ओके ठीक है थैंक यू सो मच सर I am इट वाज active on एन Insta and Facebook. Yeah. ओके देन वी इन दैट केस वी विल कैन वी पुट योर लिंक इन डिस्क्रिप्शन सर I'll pass it on to you. ओके थैंक यू सो गाइज इफ यू वांट टू गेट इन टच एंड इफ योर लक इज गुड देन प्रोबब्ली सर विल आल्सो कनेक्ट एंड द वी विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू चेक इट आउट एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस इट वॉज एन ऑनर एंड अ प्रिवलेज एंड हाँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आपसे इन पर्सन मिलने के लिए सो आप थैंक यू इंस्टा सो मच पे सर हो? व्हाट इज योर जी प्रोफाइल ऑन इंस्टा? सर आई एम सिमरत सहोटा सिमरत सहोटा. जी सर ओके, आई विल सेंड यू अ रिक्वेस्ट. ठीक है सर थैंक यू सो मच हाँ, एंड कन्वे माय रिगार्ड्स टू गुरिंदर बिल्कुल सर बिल्कुल थैंक यू सो एंड मच योर सर मदर ऑल्सो. जी थैंक यू सो मच सर गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो आल्सो शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स सो दैट ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके थैंक यू सो मच जय हिंद जय हिंद, जय हिंद, गॉड ब्लेस.